खबर सुजानगढ़ से है, जहां पथिक सेना के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, आने वाले समय में पूरे देश में पथिक सेना संगठन की टीम तैयार होगी। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम क्रांतिकारी महापुरुष विजय सिंह पथिक आजादी देने वाले प्रथम महापुरुष थे। उन्होंने बताया, वर्तमान हालात में गुज्जर समाज पर हो रही राजनीतिक सामाजिक ऐतिहासिक से संबंधित दमन पर राजनीतिक दलों व राजनेताओं को जवाब देना होगा। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि देश भर के बुद्धिजीवी सामाजिक प्रबुद्ध जनों की टीम बनाई गई है, जो संगठन को हर तरह से आगे बढ़ाएगी। पुराने प्रदेश कार्य समिति को 8 नए संभाग प्रभारी, 29 नए जिला अध्यक्ष का मनोनयन किया गया है। पोसवाल ने बताया कि फरवरी माह में तहसील कार्यकारिणी का प्रशिक्षण शिविर किया जाएगा, जिसमें संगठन पदाधिकारियों को समाज हित के लिए समाज पर हो रही दमन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। पोसवाल ने सुजानगढ़ स्थित नयाबास में केंद्रीय कार्यालय में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में संगठन के लिए सक्षम सक्रिय दल सदस्यों से चर्चा की। फोन वार्ता करके आगामी संगठन में 1 लाख से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य चल रहा है। युवा लगे रहे हैं तो वहीं संगठन की मजबूती के लिए संगठन केंद्र व राज्य सरकार से बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। उपरांत समाज हित में चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे और इस अवसर पर बर्शन गुजर तहसील अध्यक्ष मौजूद रहे।